जी अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। ये आप मेरे साथ एक बंदा है, आप इस ये कमेंट में आपने बताना है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि बड़ा ही फेमस पर्सनैलिटी है ये। नहीं भाई, नहीं फेमस नहीं हुए अभी इतने। नहीं नहीं फेमस है भाई जान। बस जी अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ, और इस तरफ हमारे भट साहब दी ग्रेट, अभी हम लेंगे टिकट, टिकट लेके तो आगे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अभी मैं दिल्ली गेट के अंदर जा रहा हूँ, बड़ी फेमस जगह है, उधर जा रहा हूँ, वो आपको दिखाऊंगा। रश देखे इधर, और आज आपको मैं अंदर की गलियाँ भी दिखाऊंगा। ये अंदरून लाहौर है और रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। ये पुराने कल्चर के पुराने घर बने हुए हैं, ये देखें। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको अंदर की जो स्ट्रीट है वो वाली है। ये अभी भी लोग देखो तंग गलियों में अभी भी लोग रह रहे हैं। इधर एक तंग बाजार है और आगे हमने जो जहाँ पे जाना है वो है सुरजन सिंह वाली गली, वो हम इधर से पूछेंगे फिर आगे जाएंगे। रश देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है। अभी हम गली के अंदर आ गए हैं, आपको दिखाते हैं ये सारी गली। ये आगे से जो है ना, ये देखें आप, आपको मज़ा आएगा गली देख के। ये आगे से जो है ना वो गली, क्योंकि डेकोरेशन है आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है। हमें तो बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है, मुझे तो लगता है जैसे मैं बाहर के मुल्क आ गया हूँ कहीं किसी के। जी भाईजान, गली के बारे में बताएंगे। सुरजन सिंह गली आजकल बड़ी मशहूर है और फेमस हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे भी वायरल हुई है ये गली। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो भी आपको पता है वो कम से कम हमें बताएं। देखिए बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, क्योंकि लोग वॉल सिटी को इतना कोई अच्छी नज़र से तो नहीं देखते थे। अगर कुछ टाइम पीरियड आप नीचे चले जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से ये गली तैयार हुई, अगर इस गली को तैयार हुए हुए आज तकरीबन 12 साल पहले इस गली में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, क्योंकि आगा खां वालों और वर्ल्ड बैंक ने मिल के इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया, और इसको देख के ओवरऑल जितना वॉल सिटी था वहाँ पे काम स्टार्ट करना था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस गली में जो सा तरक्की आती बहाली के काम को अकूमत वालों ने भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कामरान शाह साहब के, जो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के इस टाइम डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस पर अपनी पर्सनली तौर पर इस पर तवज्जो दी और इसको प्रमोट किया कि अंदरून शहर का सकाफत क्या है, अंदरून शहर का कल्चर क्या है, उसको बहाल करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग जो से यहाँ के रहने वाले थे वो पहले सोचते थे कि हम लोग यहाँ से मूव करें और यहाँ से हम गुलबर्ग डिफेंस और यहाँ पे जाते थे, तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस गली को इतनी प्रमोशन मिल गई है कि लोग गुलबर्ग डिफेंस से लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने। शुक्रिया जी। ये अभी जो एरिया है उन्होंने थोड़ा सा एरिया तैयार किया है, फॉरनर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, लोग देखने वाले आ रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा एरिया जो है वो नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इधर मूव कर रहे हैं। ये आप देखें, ये कुछ अंदर से एरिया बना हुआ है ये वाला। मैं डिप्टी डायरेक्टर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट
इन्वॉल्वमेंट और सोशल मोबिलाइजेशन को देख रही हूँ वॉर्ड सिटी टाउन अथॉरिटी में। तो ये हम लोगों ने स्ट्रीट सबसे पहली हमारी ये मॉडल स्ट्रीट है जो हम लोगों ने इसमें 12 घरों के अंदर काम किया था कंजर्वेशन की थी इसकी आफान के साथ मिलकर। और अभी हमारा रिसेंटली एक मेला हुआ है रंग दे लाहौर, उसमें हमारे डीजी कमरान लाशारी साहब चाहते थे कि गलियां क्योंकि बंद हो चुकी हैं लेकिन इनको खूबसूरती से डेकोरेट किया जाए या प्लांटेशन किए जाए जैसे इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे सिटीज में होता है, और साथ ही यहाँ पर लाइटिंग वगैरह की जाए। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने इसको डेकोरेट किया और इसको इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। 57 स्ट्रीट मजीद ऐसी हैं जो कि हम लोग बना चुके हैं और हम लोगों ने उसको भी इसी तरह से डेकोरेट करना है। इसके अलावा भाटी गेट और टेक्साली गेट के हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, इसमें हम लोग जितनी भी हिस्टोरिकल जगह हैं उसको कंजर्व करेंगे। और ऐसे घर जहाँ पे बहुत मशहूर पर्सनैलिटीज़ रह के गई हैं जैसे अलामा इकबाल साहब हैं, नूर जहान हैं, उनके घर भी हम रेनोवेट करने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह ये जो है दुनिया की खूबसूरत तरीन हिस्टोरिकल सिटी बन के लाहौर सबके सामने आए। जी, ये कब गली बनी है, कितनी देर हुई है इसको? जिस गली को बने हुए तो 7-8 साल हो गए हैं लेकिन इसको वैसे जो है अथॉरिटी ने मेंटेन रखा है। इसकी जो ये प्रॉपर जो आपको डेकोरेशन फ्लावर पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये लाइट्स नजर आ रही हैं, ये अभी रिसेंटली ये अभी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम मस्जिद वजीरहा जा रहे हैं, गली सुरजन सिंह वाली से हम आए हैं। आपको आपने इंटरव्यू देखा है मैडम का, आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और बहुत से लोग अब ना गली सुरजन सिंह वाली में आ रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो चैनल्स वाले, क्योंकि ये जो हमारे चेयरमैन साहब अलशारी साहब वो इस वक्त बड़ा ध्यान दे रहे हैं इन गलियों में स्ट्रीट में। तो अभी हम जा रहे हैं वजीरहा मस्जिद, वो आपको मैं दिखाता हूँ रास्ते में। अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप सामने देख सकते हैं, ये मस्जिद वजीर खान है, ये सामने वाली जो मस्जिद है। ये जी इधर पराठे बन रहे हैं, ये मस्जिद वजीरहा के बिल्कुल बाहर ही है। ये देखें कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, दिल करता है खा लें। देखते हैं दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, क्या कहते हैं वो। ये अभी जो मस्जिद वजीर खान है उसके सेहन में हूँ मैं, ये मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ मस्जिद। देखते हैं क्या अंदर का व्यू है इसका। अभी मैं मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ। इसका नाम है जामिया मस्जिद वजीर खां लाहौर, बहुत बड़ी मस्जिद है ये। ये बाहर का एरिया है जी, ये आप देख सकते हैं, और वो अंदर का एरिया है जामिया मस्जिद वजीर खां का। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, मैं तो बाहर से ही वापस जाने लगा था मगर ये देखें जरा। जबरदस्त ऐसी चीज कभी उन्होंने दिखाई है तो मुझे बताएं, वो जो हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं भाई।
पैक करके देना, उन्होंने कहा जी पैक करी जा रहा है, परेशानी ना हो।